Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am a medical student in first year MBBS, and in the last video I have told you that how I solved my 200 MCQs and what are the tips and tricks that I have followed and you guys must follow it, and how to solve the diagram based questions jo bahut sare students ko difficult lagte hain. So it is the second part of the video. Hope you like it. So let's get into the video. This question is, what is the phenomenon shown in the following picture? अगर हम बुक खोलें और इसे ध्यान से पढ़ें तो इंटर के थर्ड चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक है apical dominance, and it is clearly mentioned over there that in apical dominance जो हमारे पास lateral bud है वो डोरमेंट हो जाती है, एंड अपाइकल बर्ड जो है वो हमारे पास डोमिनेंट होती है एंड लेटरल इज डोरमेंट. तो बस सिंपली यहाँ पे अपाइकल मीन्स हमें वहाँ पे वो भी मेंशन है कि अपाइकल एपिक्स को कहते हैं, यानी ऊपर वाली जगह. तो यहाँ पे एरो देके बताया हुआ है कि ये जगह हमारे पास डोमिनेंट है एंड दिस प्लेस इज डोरमेंट. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इट इज़ क्वाइट सिंपल, इट इज़ अपाइकल डोमिनेंस. एंड देन नेक्स्ट इज दिस वन, दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम देके पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ न्यूरॉन इज इट. सो ये तो डायग्राम भी बुक में सेम बनी हुई है न्यूरॉन में, दैट इट इज़ द टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. सो ये सब बताने का मकसद ये है कि बुक की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट भी बनाते जाएँ साथ साथ कि ऐसा है. लाइक अगर अपाइकल डोमिनेंस है तो ऊपर वाली जगह जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रही होगी, एंड जो प्लांट है वो लाइक लेंथ में ग्रो कर रहा होगा, विड्थ में ग्रो नहीं कर रहा होगा बहुत ज़्यादा. तो अपने दिमाग में इस टाइप की अगर आप इमेज लेके पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन. अगर आप ये अपने क्वेश्चंस गलत कर देते हैं तो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लाइक सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द जेनेटिक्स जो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगती है, इवन दे आर नॉट टू डिफ़िकल्ट अगर आप उसे समझें तो, लेकिन वो फिर भी कुछ बच्चों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन. तो अगर आप इन सिंपल क्वेश्चन में भी गलतियाँ कर देंगे तो अपने मुश्किल क्वेश्चन के लिए क्या मार्जिन छोड़ेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, और इस क्वेश्चन में हमें एक एरो दिया हुआ है जिसको यहाँ पर हमें ए से मेंशन किया हुआ है, एंड वी हैव लाइक हमें क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि ये कौन सा पाथवे है. यू आर राइट कि इस टाइप की कोई इमेज बुक में नहीं गिवन, लेकिन जो उस इमेज के अंदर लिखा हुआ है ये बुक में ज़रूर गिवन है. आई थिंक चैप्टर नंबर 14 ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें ये क्लियरली मेंशन है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेल्युलर ट्रांसपोर्ट एंड सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट. सो उसमें लिखा हुआ है कि सेल को पहले एपिडर्मिस से क्रॉस करना पड़ेगा, देन एपिडर्मिस के पास का सेकेंड जो का सेल है, देन सेल के बाद जो उसका दूसरा बैरियर है वो हमारे पास एंडोडर्मिस से, देन पेरिसाइकल, एंड देन इट विल फाइनली रीच टू ज़ाइलम. उसको ज़ाइलम पे जाने के लिए इन इन जगहों से क्रॉस करना होगा. तो ये पूरी स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी भी होगी अपनी बुक से, सो यू विल नो डैट इट इज़ द सिंपलेस्ट. ये कहीं बुक से आउट क्वेश्चन नहीं है, ये बुक से ही क्वेश्चन है. एंड एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस क्वेश्चन में गिवन है, जिस अगर आपने वो चीज़ पढ़ ली तो आपको ये सब चीज़ें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा पढ़ने के बाद यू आर लाइक कन्फर्म दैट येस इट इज़ द सिंपलेस्ट पाथवे. ओके, लेट मी शो यू फ्रॉम द बुक. सी इन द सिंपलेस्ट पाथवे, इट इज़ चैप्टर नंबर 14, लास्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर. सी it is in the simplest pathway topic, the second pathway is the simplest, and in the book it is clearly mentioned plasmodesmata. So MCAT wale jo bhi kuch dete hain wo sab kuch book mein hota hai. Sometime it is completely like as it is same lines hoti hain, and sometime wo aapko
आपका स्टेट ऑफ माइंड चेक करते हैं कि आप कितना ज़्यादा समझ कर आए हैं, एट दैट पॉइंट आपका कितना ज़्यादा उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस वन, एंड इसमें हमारे पास हमें लिखना है वर्ड डाउन ए इन द फॉलोइंग पिक्चर इज शोन। सो द फर्स्ट पिक्चर पे हमारे पास ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन लिखा हुआ है, एंड देन वी हैव ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेंशन, एंड देन अगेन ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज मेंशन, एंड देन वी हैव ए। तो अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग खोलें, तो ये जो डायग्राम बनी हुई है इट इज़ लाइक एल्वियोला ऑफ द लंग्स। लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, एंड देन वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। नाउ अब वो टिश्यूज और मसल्स की तरफ जा रहा है, एंड देन उसको सप्लाई करने के लिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगेन डिसोसिएट होगा ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन में। तो इस प्रोसेस में सिंपली क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। बुक में लिखा हुआ है कि जब हीमोग्लोबिन लंग्स में होता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एंड व्हेन इट गोज टू द मसल्स एंड टिश्यूज इट विल डिसोसिएट एंड प्रोवाइड देम द ऑक्सीजन। See, this is the 13th chapter of the first year book, Gaseous Exchange, and this is a topic of hemoglobin. And in this topic, it is particularly written that Hb, yani hemoglobin, binds to oxygen to form a loose compound called the oxyhemoglobin. See, oxyhemoglobin is formed. It is carried to the tissue, then oxyhemoglobin is formed. It is carried to the tissue, where due to low concentration of oxygen in the tissue, oxyhemoglobin dissociate releasing oxygen. Oxyhemoglobin dissociate releasing oxygen. So the right option is dissociation of the oxyhemoglobin. So isn't it easy? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस विच इज़ रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी, जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए कि लोग नथिंग इज़ आउट फ्रॉम द बुक, एंड इन मैंने इसकी सिंप्लीफाइड डायग्राम इन्होंने बना कर दिए। ये इस बुक में डायग्राम हमारे पास बनी हुई थी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में। टॉपिक इज वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बैक्टीरियल DNA, RDNA। सो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, एक होस्ट सेल लिया है, एक सोर्स ऑफ DNA लिया है, दोनों के स्टिक के एंड से उन्हें काट लिया है, होस्ट के DNA को सोर्स के DNA में इंसर्ट करवाया है, एंड देन इंसर्शन जब हो गई, वो दोनों आपस में मिल गए, देन हमसे पूछा गया है कि ये पार्ट क्या है। सो अब यहाँ पर देखें, ये पार्ट हमारे पास रिकॉम्बिनेंट DNA है, एंड बुक में रिकॉम्बिनेंट DNA is clearly mentioned, and the correct answer is also recombinant DNA. So the same thing it is given, and बहुत सारे students को इस question में भी problem हो रही थी। जब आप ये topic पढ़ रहे हैं और इस तरह के और भी दूसरे topic, तो आप diagram को साथ साथ लेकर चले कि डायग्राम में क्या क्या कहा गया है, कि कौन से डायग्राम पे क्या लेबल हुआ है और क्यों लेबल हुआ है, एंड अगर आपको साइड पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखनी है, यू कैन आल्सो डू दिस। एंड देन यू हैव दिस डायग्राम ऑफ अ क्रोमोसोम, इट इज़ द क्वाइट सिंपल चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर वी हैव गिवन आई थिंक दिस डायग्राम, एंड आई डोंट थिंक एनी एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर दिस। हमें सिर्फ उस जगह पे भी आप याद रखिए जब वहाँ पे आप डायग्राम्स बनी हुई हैं क्रोमोसोम की, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन है, तो आप याद रखें कि क्रोमोसोम सेंटर में होगा तो क्या कहेंगे, जब वो अपर पे होगा क्या कहेंगे, बिल्कुल पोल पे होगा तो क्या कहेंगे। तो सी वही डायग्राम है, एंड देन द लास्ट डायग्राम विच इज़ गिवन इन आवर पेपर इज अबाउट दिस। अब इस डायग्राम में भी इट्स अ क्वाइट सिंपल एक प्रोसेस दिखाया गया है, विच इज़
एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। और यहाँ पर हमारे पास एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह की होती हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज लार्ज चीज़ों को जब हम इंगल्फ करते हैं हमारे बॉडी का कोई पार्ट, लाइक माइक्रोफेजेस जब लार्ज पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है तो इट इज़ कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मेंशन है, पहले आप ये देखें कि ये आउटसाइड द सेल एंड इट इज़ साइटोप्लाज्म मेंशन है, एंड दिस इज़ द बैरियर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यानी हमारे पास यहाँ पे इनसाइड द सेल है, यहाँ पे आउटसाइड द सेल है। आउटसाइड द सेल वी हैव अ लार्ज पार्टिकल, तो आपको लार्ज पार्टिकल से अंदाज़ा हो जाएगा कि इट इज़ नॉट पाइनोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इट इज़ फैगोसाइटोसिस। यहाँ पर हमारे पास लार्ज पार्टिकल आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड पुश हुई, एंड देन जो लार्ज पार्टिकल है वो हमारे पास अंदर आ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाती है। अगर आप उस वक्त, आई कैन टेल यू वन थिंग, अगर आप कोई एमसीक्यूज नहीं आ रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो अदर थिंग यू कैन डू द सॉल्व एमसीक्यूज, आप एमसीक्यूज में कैंसलिंग करते जाएँ कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, वी नो दैट ऑस्मोसिस लिक्विड पार्टिकल्स का होता है, यहाँ पे हमारे पास सॉलिड पार्टिकल दिखाया हुआ है, तो ऑस्मोसिस तो हो ही नहीं सकता। देन दिस सेकेंड थिंग इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज में होता है, यहाँ देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड डिफ्यूजन के लिए वी डोंट नीड ऑफ एनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वी डोंट नीड एनी बैरियर, सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिफ्यूजन को। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, साइटोप्लाज्म दिखाया हुआ है, तो डिफ्यूजन का भी यहाँ पे कोई लिंक नहीं बनता। एंड देन द एक्सोसाइटोसिस को आप देखें, तो एक्सोसाइटोसिस मींस सेल के अंदर से सेल के बाहर कुछ जाना, लाइक फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाया हुआ है कि आउटसाइड द सेल से इनवर्ट इन्वेजिनेशन हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस भी नहीं हो सकता। अब चाहे उस वक्त आपको फैगोसाइटोसिस आ रहा हो नहीं आ रहा हो, ये तीन ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो इट विल डेफिनेटली बी फैगोसाइटोसिस। सो डैट्स ऑल अबाउट द डायग्राम क्वेश्चंस। सो बायोलॉजी में एक और चीज़ की जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ आवर फोर्थ टिप, डोंट वेस्ट टाइम ऑन एवरी एमसीक्यूज। लाइक बायोलॉजी में और इवन हर सब्जेक्ट में कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, समटाइम इट कैन टेक मोर देन अ मिनट, लेकिन आप उसको मोर देन अ मिनट उसी वक्त दे सकते हैं जब आप इजी एमसीक्यूज को लेस देन अ मिनट दें। सो व्हाट कैन आई से टू यू, दैट जो क्वेश्चन ईजी हैं को आप लाइक फजूल में सोचने में टाइम वेस्ट ना करें। लाइक अपाइकल डोमिनेंस वाला क्वेश्चन हमने देखा, क्रोमोसोम की जो इमेज दी हुई थी उसका क्वेश्चन देखा, दे आर लाइक टू इजी क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप विद इन अ वन मिनट 2 to 3 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। तो आपको अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन बायोलॉजी के बीच जो जेनेटिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स को वाकई में मुश्किल लगती हैं, तो आपको उन एमसीक्यूज के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ द लास्ट ईयर पेपर, लाइक वी हैव दिस क्वेश्चन दैट पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस डैश हार्मोन एंड डैश हार्मोन व्हाइल ओवरीज प्रोड्यूस डैश एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। अब अगर आप ज़्यादा नहीं देखें तो आप यही देख लें कि कौन से एमसीक्यूज में एस्ट्रोजन लास्ट पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट में ईस्ट्रोजन चाहिए। वी हैव योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हियर वी हैव लुटिनाइजिंग हार्मोन, एंड हियर वी हैव ईस्ट्रोजन। अब आपको इन दो एमसीक्यूज का नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि ओवरीज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, और ओवरीज में यहाँ पे ईस्ट्रोजन है, तो आप यहाँ पे ईजिली टेक कर सकती हैं। मे बी तो इस तरह दे दें नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के ईस्ट्रोजन लास्ट में दो एमसीक्यूज में, तो आपको एटलीस्ट दो तो गलत हो जाएंगे। अब आपके पास लाइक
फिर आपको इनमें से कोई एक भी याद आ जाए, आपको पता है कि फर्स्ट पे एक ये हो सकता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो आप लाइक इजीली से कर सकते हैं. इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. सो आप इस टाइप के क्वेश्चन में अपना एटलीस्ट ट्राई टू हैव लेस देन अ मिनट फॉर सच क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट. इट इज़ अ बुक लाइन, एग्जैक्ट बुक लाइन. इट इज़ द रिसेसिव ट्रेट. सो देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा थिंकिंग फॉर दिस पॉइंट. बुक अच्छे से पढ़ी भी होगी तो कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. एंड देन वी हैव दिस वन इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मायोसिस. तो आपको सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मायोसिस पता होनी चाहिए एंड दैट इज ज़ाइगोटिन. सो यू कैन टेक ओवर देयर. आप आई कैन से उन MCQs के लिए आप एक मिनट से भी कम टाइम में करें, एक मिनट में दो या तीन MCQs करें ताकि आपका टाइम मैनेज हो जाए. सो द लास्ट स्टेप इज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड. अपने दिमाग को हाजिर रखकर बायोलॉजी सॉल्व करें, क्योंकि बायोलॉजी में आप जितने लाइक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं ना, उतने फिज़िक्स और केमिस्ट्री में गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. बायोलॉजी इज़ लाइक फॉर MCAT स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ देम मेजॉरिटी के लिए बायोलॉजी इज़ लाइक फेवरेट सब्जेक्ट. एंड अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो इसमें आपके सबसे अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए. एंड फॉर दीज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एंड जेनेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. उस वक्त आपको क्वेश्चन पेपर को देखकर परेशान नहीं हो जाना है, आपको क्वेश्चन पेपर को पेजेस को पलटा पलटा कर नहीं देखना है कि इतने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इतनी जेनेटिक्स प्रॉब्लम है. लाइन से क्वेश्चन करते जाना है. एंड व्हाट आई कैन से दैट जब मैंने अपने टाइम में क्या किया था, सबसे पहले बायोलॉजी अटेंड किया था ताकि लाइक सबसे सुकून से, क्योंकि जब हम बाद में जाते हैं लास्ट में क्या होता है कि वी आर लाइक टाइम कम बचा है, जल्दी जल्दी करना है एंड ऑल सच, तो उसमें जो चीज़ इजी होती है हम टेंशन में वो भी गलत कर देते हैं. दैट्स व्हाई मैंने बायोलॉजी फर्स्ट पे किया था एंड आई एडवाइज यू टू डू द सेम. बट अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते एंड आपको लगता है कि मैं सीक्वेंस में मिस्टेक कर दूँगी, बिकॉज अगर आपने 80 की जगह अपना फर्स्ट MCQ 79 पर टिक कर दिया तो आपने जब तक अटेंशन नहीं दिया आपकी सीक्वेंस गलत होती जाएगी एंड आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है इससे. सो आप उस वक्त MCQs पे टिक लगाते लगाते भी आपने अपनी बुकलेट में तो बी सोचा था लेकिन वहाँ पर सी पे टिक लगा दिया. सो इट्स नॉट द प्रेजेंस ऑफ माइंड. हाँ, एक आध गलती होती है तो समझ भी आता है, लेकिन अगर आपकी सीरीज ही गलत हो जाए, लाइक लाइन से 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ ऊपर नीचे होने की वजह से गलत हो जाएं, सो आपको काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हो जाता है. सो डेट्स ऑल अबाउट द बायोलॉजी. एंड अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगे रिगार्डिंग योर MCAT स्टडीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन DM ऑन द Instagram स्टडी विद डॉक्टर्स. टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.